नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक 60 वर्ष वृद्ध को एनजेपी थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार वृद्ध नानी का प्रेमी। नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक 60 वर्ष वृद्ध को एनजेपी थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि आरोपी वृद्ध नाबालिगा की नानी का प्रेमी है। आरोपी का नाम धरणीकांत राय है। घटना को लेकर एनजेपी थाना इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार नाबालिगा के नाना की मौत के बाद नानी के साथ आरोपी धरणीकांत राय का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी नाबालिगा की नानी के साथ रहने लगा था। दूसरी तरफ नाबालिगा भी अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर में रहती थी। आरोप है कि गिरफ्तार वृद्ध पिछले 2 महीने से 15 साल की नाबालिगा के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था, लेकिन इस घटना का खुलासा बुधवार को हुआ। जब नाबालिगा की मां ने उसे पूछताछ की तो नाबालिगा ने उसे पूरी घटना बताई, जिसके बाद नाबालिगा की मां पुलिस के पास पहुंची। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धरणीकांत राय को गिरफ्तार कर लिया है। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। আমার কিছু বলার নাই, আমি করি নাই তো। আমি ওকে 3 বছর থেকে মানুষ করে ওকে মেন হলো, এটা চক্রান্ত হয়েছে। আমাকে আটকা রাখতে পারলে ওর মার সম্পত্তিটা ইস্যু করতে পারে। মেয়েটার ইস্যু কথা এই যে দেখলেনি তো, আমি তো বিয়া করে রাখি, কি করে বলে 14 বছর হয়ে গেল 2010-এ। তার মেয়ে কতবার বিপদে পড়ছে, কতবার ইস্যু করছে, তাকেও তো আমি উদ্ধার করছি। এটা মেন হলো ওর মার কিছু প্রপার্টি আছে, সোনা দানা আছে, আমার জন্য পারতেছে না, আমাকে আটকায় দিলে ওর মাকে নিয়ে গিয়ে। ওই জন্য ওর মাকে আমি বললাম যে তুমি তোমার মেয়ের কাছে থাকবে, তোমার মেয়ের আর ওই কালাজি ভালো হলো তাই ওর মার সম্পত্তিটাকে।